किसान दोस्तों, झोने दे विच एक पासे तां अपनी दिक्कत चल ही रही है कि झोने दे बूटे मधरे रह रहे हैं। इहदे नाल नाल पिछले सालां च घट दिक्कत सीगी, इस साल पंजाब अते हरियाणे दे विच खास तौर पर झोने दीआं जड़ां दे विच एक लाल जे रंग दा कीड़ा, उहनूं कीड़ा तां नहीं कहांगे आपां, मतलब कि सुंडी सांडी नहीं हैगी कोई, उह एक तरह दा गंडोवा जा लाल रंग का दिखता है, जिन्हों तुसी लाल सलाई कहने हो, जिवें तुसी देख रहे हो। इनू वॉरमील भी कहते हैं, इनू राइस ईल वॉरम भी कहते हैं, राइस ईल वॉरम, ठीक है। तो हुण किसान सोच रहा है कि इहदे नाल झोने का कमजोर हो रहा है, तो विज्ञानकां दा की कहना है, तो खेत दे विच जो असी रिसर्च करते हैं तो किवें पता लगता है, तो जे असी ये तो खेड़ा छड़ाउणा तो किवें छड़ा सकते हैं, इस सारे संबंध में मैं इस गल करदा। मैं हाँ कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई, फतेह साहिब पाउणे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान दोस्तों, ये जिहड़ा लाल सलाई जिहनूं कहिंदे हो, जिहनूं ईल वारम, राइस ईल वारम कहिंदे हैं, जां वॉरमील कह रहे हो, ये कीड़ा पिछले सालों के उत्तराखंड के काफ़ी ज़्यादा पाया जाता सी। उन्हां खेतां दे विच ज़्यादा पाया जाता सी जिथे दो दो झोने दीआं फसलां लैंदे सी लोग। आम तौर पर यह जिहड़ा गंडोया जिहा है, ये झील, नदी, दरिया, खाला जिहदे विच लगातार पानी खड़ा रहिंदा है, उहदे तल ते पाया जाता है, ठीक है। ये सीधे सीधे तरीके दे विच बूटे की जड़ नूं किसे भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाउंदा, ये मैं नहीं कहिंदा। इहदे विच तुसीं ये देखो कि अंतरराष्ट्रीय झोना खोज केंद्र की एक मैं वीडियो तुहाडे नाल 3 साल पहलां उहदी डिटेल पा के शेयर कीती सीगी, उहनां दा कहना है कि ये झोना कीट झोने के दुश्मन कीटां दे विच इस कीड़े की गिनती नहीं की जाती। उन्हां दा शब्द सीगे इह कि इस कीड़े की गिनती झोने के दुश्मन कीटां दे विच नहीं की जाती, ये उह श्रेणी का कीट नहीं है कि झोने नूं नुकसान पहुँचावे। इस साल साढ़े इत्थे काफ़ी आया, भावें कि साड़ी यूनीवर्सिटी ने इस दे बारे कुछ पब्लिश नहीं किया, परंतु साढ़े माहरां दा फिर भी इस दे उपर जो उन्होंने रिसर्च की है, तो माहरां दा साफ तो स्पष्ट कहना है साढ़े पंजाब दे खेती माहरां दा कि इस कीड़े का झोने दे उपर कोई भी माड़ा प्रभाव नहीं हैगा, ये कोई नुकसान नहीं कर रहा। ये गल इत्थों तक एक एक चीज़ क्लीयर करूँगा। दूसरी गल, हुण जदों भी कोई सुंडी जां कीड़ा साड़ी फसल नूं नुकसान करता है तो किवें करता है, जां तो उह कोई रस चूसदा उहदा, जां दंदी वढ के खांदा है, तां फिर जिस बूटे दे उपर तुहानूं ये दिख रहा है उहदियां जड़ां च देखो कि इहदे खाण दा कोई निशान हैगा है, तुहानूं निशान नहीं मिलेगा। जिहड़ा बूटा कमज़ोर है, जिहड़ा बूटा मधरा रह गया, उहदे थल्ले सानूं ये दिखाई दे रहा है। जे तुसी ताकतवर बूटे नूं पट्टोंगे उहदे थल्ले भी तुहानूं ये दिखाई देवेगा। तां कुल मिला के इस कीड़े दा झोने दी ग्रोथ दे नाल कोई संबंध नहीं हैगा। जेकर तुसी फिर भी इसका कंट्रोल करना चाहते हो, तो उत्तराखंड के जिहड़े किसान है कुछ कमेंट भी करनगे, उन्हें मैं कहना कमेंट करन, उन्हें पूछो कि वह लगातार दवाई पाउंदे है खेत दे विच, एक बार दवाई पाती मर गया दोबारा फिर बन गया, दवाई पाती मर गया दोबारा फिर बन गया, दवाई पाती मर गया दोबारा फिर बन गया, यही काम चली जाता है। उत्थे उन्हां खेतां ज़्यादा हुंदा जिथे दो दो फसलां झोने नहीं लैंदे, ज़्यादा पानी भरी रखते हैं। तो फिर सब तो वधिया तरीका यह हैगा है कि तुसीं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मैथड क्यों नहीं वरतदे। तुसीं पहली गल तो मैं क्लीयर कर दिंदा तुहानूं कि साडे खेती माहरां दे अनुसार अंतरराष्ट्रीय झोना खोज केंद्र दे अनुसार ये किसे किस्म दा झोने दा नुकसान नहीं करता, तो ना ही झोने दे दुश्मन कीड़ां दे विच दी गिनती हुंदी है। परंतु तुसीं फिर भी इस तो खेड़ा छड़ाउणा चाहुंदे हो, तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मैथड जिहड़ा हैगा पानी लाउण दा वरतो, मतलब यह कि झोने नूं पानी लाता, पुराना पानी जीर गया, फिर नवां ला दिओ।
पुराना पानी जीर गया, एक दो दिन हवा लगी, फिर नवा ला दो, तो उस दे नाल इसकी संख्या अपने आप कंट्रोल च रहेगी। तो इस करके दोस्तों इस कीड़े तो घबराने की कोई लोड़ नहीं हैगी, कोई दवाई पाने की जरूरत नहीं हैगी। तो ये जिहड़ा कीड़ा हैगा ये झोने के दुश्मन कीटा के इसकी गिनती नहीं होंगी, तो इस चीज़ को तुसी ध्यान रखोगे। बाकी बहुत सारे किसान वीर ने तजर्बे कर ले है, लोग दवाइया पा चुके हैं, तो वह अपना जरूर कमेंट कर देन कि दवाई पाने तो बाद की यह पूर्ण तौर पर खत्म हो गया। तो दोस्तों तुहाडा झोना कमजोर रह रहा है, ताडे बूटे मधरे रह रहे हैं, झोना पीला पै रहा है, उहदे कारण कई होर हो सकते हैं। खेत दे विच सीरां पैनिया, पानी लगातार वगदे दे विच खाद पाउणा, खेत च पानी लगातार खड़े रहना, तां क्योंकि जिथे पानी खड़ा रहेगा ज़्यादा उस जगह ते कीड़ा भी ज़्यादा होएगा, तो उस जगह ते उद्योगी रेज बूटे भी कमज़ोर होणगे, आपां नूं पहले ही पता है। तो इस दे नाल ला के उन्हां नूं ना जोड़ो। तो ये जिहड़ा कीड़ा हैगा हजे तीक खेती मारां दे अनुसार ये कीड़ा किसी किस्म का झोने का नुकसान नहीं कर रहा। बाकी तुसी आप चैक करो यार, जिथे कीड़ा मिलता देखो तो सही भी कितने जड़ ते दंदी दुंदी वड्डी तो नहीं कि, तुहानू पता लगेगा कि ने दंदी वड्डी नहीं। जेकर तुसी माउथ पार्ट चलो आप नहीं देख सकते, ठीक है मैं समझना, तो ये दंदी जिहड़ा हैगा नहीं वड रहा, ये झोने की जड़ नूं नुकसान नहीं कर रहा। पानी ज़्यादा खड़ा रहन करके ही बूटा भी कमज़ोर हो रहा है। पानी सुका दिओ, हवा लवा के पानी लाओ, ये कीड़ा अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। इस करके दोस्तों इहदा इक्को ही तरीका है कि पानी हवा लवा के लाओ, ये अपने आप कंट्रोल च रहेगा। धन्यवाद।